स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल सिद्धांत सरल पद्धति पे। आप सभी मित्रों का मैं सिद्धांत सहगल वैदिक एंड केपी एस्ट्रोलॉजर आप लोगों के सामने एक अलग तरह का मैटर लेकर आया हूँ या अलग तरह की जानकारी लेकर आया। जिस तरह ग्रहों की एक आयु निर्धारित होती है कि खास उम्र पे अगर उस ग्रह की दशा अंतरदशा है तो जातक को सफलता ज्यादा मिलती है या एक खास उम्र के बाद कोई ग्रह सफलता देना शुरू कर देता है, उसी तरह नक्षत्रों की विभिन्न आयु निर्धारित है। किसी खास नक्षत्र में जन्मे हुए जातक को सफलता एक निश्चित उम्र के बाद मिलती है, ऐसा देखा गया है। प्रैक्टिकली भी मैंने देखा है, ये सिर्फ किताबी बात नहीं है। तो एक खास उम्र के बाद जातक को सफलता मिलती है। तो 30 साल की उम्र के बाद किस नक्षत्र के जातक को सफलता मिलेगी ये अभी बताता हूं मैं आपको। अश्विनी नक्षत्र के जातक यानी अश्विनी नक्षत्र में किसी जातक का अगर जन्म हुआ है तो अश्विनी नक्षत्र के जातक के जीवन में भाग्योदय एक तरह से आप कह सकते हैं कि 30 साल की उम्र के बाद शुरू होता है। 30 साल की उम्र से लेकर 55-56 साल तक की उम्र तक उसकी सफलता जारी रहती है। अब ये सफलता का ग्राफ कैसा होगा, ये सफलता किस लेवल तक होगी, ये ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जन्म कुंडली में पड़े हुए ग्रहों पर भी निर्भर करती है और चल रही दशा महादशा पर भी निर्भर करती है। लेकिन दशा महादशाओं का एक अपना पैटर्न है, वो अपने हिसाब से फल देते हैं, लेकिन एक निश्चित उम्र के बाद नक्षत्र बाधा कट जाती है। यानी किसी खास नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति, जैसे कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मे हुए व्यक्ति, 30 वर्ष तक का समय संघर्ष वाला होता है। दशा अंतर दशा कुछ भी चल रही हो, लेकिन 30 वर्ष की उम्र के पड़ाव के बाद जातक को कुछ ना कुछ सफलता, कुछ ना कुछ दाल रोटी की स्थिति, कुछ ना कुछ सफलता उसको जरूर मिलती है। अश्विनी नक्षत्र में जन्मे जातक अपनी इच्छा या अपनी वासना पूर्ति के लिए कोई भी कीमत अदा करने को तैयार रहते हैं और वो कुछ भी करने को तैयार रहते हैं सफलता प्राप्ति के लिए। केतु का नक्षत्र चूंकि मोक्ष नामक शब्द से बहुत ज्यादा जुड़ गया है, तो केतु के नक्षत्र में जन्मे हुए जातक ये धारणा पाल कर चलते हैं कि उनको मोक्ष मिल जाएगा। खास करके केतु अगर द्वादश में हो तो समाज में वो अपने आप को बहुत साफ सुथरा और बहुत आध्यात्मिक तौर पे प्रस्तुत करते हैं अपने आप को, जो कि अंदर से वो हकीकत में उतना नहीं होते। सॉरी फॉर दिस स्टेटमेंट, लेकिन यही सत्य है और इससे किसी को खफा होने की जरूरत नहीं है। हाँ, उतार चढ़ाव कम ज्यादा कुंडली में पड़े हुए ग्रहों और उनकी दृष्टियों से फर्क पड़ जाता है, चल रही दशा अंतर दशा से भी फर्क पड़ जाता है। अच्छी दशा चल रही हो तो जातक का करेक्टर या चरित्र अच्छी दिशा में चला जाता है, तो वो बाकी सारी कुंडली की एनालिसिस पे डिपेंड करता है। चलिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और जो मित्र मुझसे जुड़े हुए सालों से उन सबका मैं फिर से एक बार धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू।